दिन बीतते चले गए, मेरे हाल में परिवर्तन नहीं आया। कुछ देर पढ़ाई में मन बहल जाता था, कुछ देर फैमिली के साथ, पर रूही का याद दिमाग से निकल नहीं पा रहा था। करिश्मा अब मुझसे अच्छे से बात तो कर रही थी, पर मेरा उसके सामने रूही का जिक्र करना पसंद नहीं करती थी। मुझे लग तो रहा था कि उसे रूही पसंद नहीं थी, पर कभी शक नहीं किया कि क्यों। एक दिन मैं स्कूल से घर वापस आ रहा था, घर पहुंचने ही वाला था। रास्ते के उस तरफ से करिश्मा साइकिल चलाते हुए आ रही थी। उसका बैग साइकिल के आगे वाले बास्केट पर रखा हुआ था और सडनली बगल से एक बाइक हाई स्पीड से गुजरा। वो डर के मारे साइकिल रोड के साइड में ले आई और खड्डे में गिर गई। उसकी बैग दूर छिटक के पड़ा। हे गाइस, वेलकम टू स्टोरी 18 एपिसोड 4। मैं हूं स्वप्नेश, आपका स्टोरी टेलर। रूही, मैं चिल्लाते हुए भाग के गया उसके पास। उसके पास पहुंचा, उसको उठाया। कहीं लगी तो नहीं, मैं घबराते हुए पूछा। नहीं, आउच, जोर से चिल्लाई पैर जमीन पर रखते हुए। क्या हुआ, मैंने कहा। पता नहीं, पैर नीचे रख नहीं पा रहे। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। घर हमारा पास में ही था, तो मैं उसे अपने हाथों में उठाया और उठा के लेके गया। उठाते वक्त कुछ पल के लिए वो मेरे आंखों में देखने लगी। 2 सेकंड के लिए स्लो मोशन में वो मुझे देख ही रही थी। उसे पैर की दर्द से ज़्यादा उसका मेरे गोद में होना ज़्यादा अच्छा महसूस करा रहा था। मैं पहुंचा, उनके घर अंकल तो थे ही नहीं, सिर्फ आंटी थी। आंटी भागते हुए बाहर आई और पूछी, ये सब हुआ कैसे? मैंने कहा, कुछ नहीं आंटी, वो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। आंटी ने करिश्मा की पैर देखा और फिर हम बहस करने लगे कि हड्डी टूटा या नहीं। हमारे घर के पास में एक हॉस्पिटल है, आंटी बोली, चल के एक्सरे करा लेते हैं, कंफर्म हो जाएंगे कि क्या हुआ है। आंटी स्कूटी निकाली, करिश्मा मुश्किल से पीछे बैठी और वो लेके चले गए। उनको जाते हुए देख मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि शायद मुझे भी जाना चाहिए। मैंने करिश्मा की साइकिल लिया, उसकी बैग उठाया, जल्दी से उसको रूम में रख के हॉस्पिटल निकल गया। वहाँ पर उसकी एक्सरे हुआ। लकीली कोई हड्डी टूटा नहीं था, बस मसल में थोड़ा सा क्रैक आ गया है। डॉक्टर ने कहा, क्रैक बैंडेड बांध लो, चल पाएगी, और कुछ दवाई प्रेस्क्राइब कर दिए। आंटी मदद करी उसे उठाने के लिए और उसे हम स्कूटी पे लेके आए। अब घर पहुंचने के बाद एक दिन उसे कंप्लीट बेड रेस्ट करना था और अगले दिन में स्कूल बंक करने के बारे में सोचा और एक दिन उसके साथ स्पेंड किया। उसके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लग रहा था। हमने काफ़ी कुछ शेयर किया अपने बारे में, बाकी दिन भर बैठ के टॉम एंड जेरी देख रहे थे, दिन भर हंस रहे थे। आंटी काफ़ी फ्रूट्स भी ले आई थी, तो भूख का कोई सीन ही नहीं था। इन शॉर्ट, इट वॉज रियली ब्यूटिफुल डे स्पेंट विथ करिश्मा। और सबसे अजीब बात ये थी कि मुझे एहसास हुआ कि कितने दिन हो गए मैं हंसा ही नहीं था। रूही के गम में रोज रोता ही रहता था, और आज दिन भर करिश्मा के साथ स्पेंड किया, पर एक बार भी रूही मुझे याद नहीं आई। हरेश, करिश्मा बोली। आज मेरे लिए तुम स्कूल क्यों बंक किया, करिश्मा पूछी। क्यों, मेरा यहाँ रहना तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? नहीं, वो बात नहीं है, पर इनफैक्ट मुझे अच्छा लगा। और कंटिन्यू करते हुए बोली, यू नो व्हाट हरेश, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। अच्छा, वो कैसे, मैंने पूछा। जो चीज़ पैर सही होते नहीं हो पाया, वो पैर टूटते ही हो गया, वो बोली। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाऊँ उसे, वो अपनी बेड से उठी, खुद को एडजस्ट की और मुझे हग कर ली। थैंक यू हरेश। ये ज़रूर था कि हम बच्चे थे, पर उसका वो हग मेरे रूम रूम में एहसास होने लगा, जैसे समंदर की लहरें किनारे तक पहुंच जाती हैं, वैसे ही उसका वो स्पर्श मेरे शरीर की हर कोने तक पहुंच गया। और उस लहर के जाने के बाद भी जो कीलापन वो ज़मीन में छोड़ जाता है, उसका मुझे छोड़ने के बाद भी मैं अपने शरीर में उसकी शरीर महसूस कर पा रहा था। वाकई कुछ अलग सा महसूस हुआ मुझे। मेरा कभी ऐसा मन तो किया नहीं, पर उस दिन मुझे बहुत प्यार आया करिश्मा के ऊपर। उसके हक के बाद ही मैं उसके माथे पे किस किया। मेरे किस करते ही उसकी आंखें बंद हो गई, लगा जैसे वो उस किस को महसूस कर रही थी। रात को मैं वापस घर लौटा और करिश्मा की सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। उसके साथ बिताए हर पल दिमाग में चल रहा था। उसका मुझे हक करना और ये कहना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो चीज़ पैर सही होते नहीं हो पाया वो टूटने के बाद हो गया। मैं चलते चलते रुक गया और सडनली खुद से सवाल पूछने लगा कि ये इसका मतलब क्या हो सकता है।
इतना तो पता था मुझे कि वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करती थी, पर क्या वो मुझसे प्यार करती है? नो, दिस कैंट बी ट्रू। पर उसने मुझे ये भी कहा था कि उसकी क्रश किसी और से प्यार करता है और मैं रूही को पसंद करता हूँ। शिट, हरेश क्या डिसीजन लेगा जानेंगे अगले एपिसोड में। अभी के लिए कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और अगर सपोर्ट दिखाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।